बहुत जरूरी है संस्कार को प्राप्त करना। और रही बात डरने की, अगर डर लगता तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, पहुँचने का सवाल ही पैदा। और डर को जितना डरा उतना ही आपको डर लगे। हम लोग तो यहाँ हमें दिहाड़ी मजदूरी करके खाने की आदत है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें निकाल भी देती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मुझे निकाल भी देती है तो भी मेरा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जो हमेशा से जारी रहता है, अभी भी रहेगा। हमें ऐशो आराम की जिंदगी गाड़ियों में, बोटों में, जहाजों में उड़ने की आदत नहीं है। हम आज भी सड़क पर चलना जानते हैं, हम आज भी रोड पर चलना जा रही है। ये जो बीजेपी में जो 70-73 सांसद है वो तो हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, ये सवाल तो उन्हीं को पूछा जाना चाहिए वो क्यों नहीं हिम्मत दिखा। आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि निहायत मुश्किल है। अगर सारे के सारे सांसद, आप देखें ना, तीन तरह के फरमान साथ ही साथ है। सबसे पहले 5 मार्च का लेटर जो SC ST OBC दलित बहुजन समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद करने का एक बड़ा फरमान, ठीक अगले दिन ही आता है SC ST जो कमीशन जो गाहे बगाहे न्याय दे देता था, न्याय का गाहे बगाहे, आप उसको कुंद कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। सच उसके अधिकारों को इतना पंगू बना दिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप नोट करिए, सुब्रमण्य स्वामी ने एक इंटरव्यू में एक कहा था आरक्षण के सवाल पर कि हम आरक्षण को इतना पंगू बना देंगे कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है। समाज, आपको पता है जिस समाज से आप आती हैं, SC ST OBC होती है, ये बहुत डरपोक जमाते हैं। ये बाबा साहब की पूरी लड़ाई लगभग खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि यहाँ जो बैठा हुआ समाज है ना, वो SC ST OBC और जो अपनी नौकरी को ताक पर रखकर बैठा, मुझे तो नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी कोई बात नहीं, चली जाने दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। अगर आपकी आंखों में पानी है, अगर आप मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी आंखों में पानी है, अगर आप बहुजन समाज से नौकरी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, संसद में, विधानसभा में, हो सकता है कि अब आपकी कम से कम हिम्मत बढ़नी चाहिए। देखिए, एक महिला है, संस्कृत की प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ कदम कदम पर जासूस है, आधार कार्ड भी इनका हो सकता है सरकार के पास हो, वो 13 फीट वाले ऊँची दीवार में, उसके बाद भी इनके जहन में डर नहीं है। और ऐसे इनको कहिए अम्बेडकरवादी, इनको कहिए अम्बेडकर की मानस संतान जो आरक्षण के लिए भूमिका में बैठी है, लड़ रही है। और मैं अभी आपके एक सांसद से मिला हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मानसिक गुलाम हो गए हैं हमारे सांसद। सोचिए, एक लगातार संघर्ष था अम्बेडकर का, उसके बाद ये आपको आरक्षण मिला था। आरक्षण सिर्फ कोई भीख नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, वो खत्म कर रही है बीजेपी सरकार। और हो सकता है कि ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनवाने के एजेंडे में दलितों को, पिछड़ों को लगा दिया। देखिए, ये तो शुरू से ही रहा है। आपको ये गावड़ वाले जो लगते हैं, जब सावन का महीना था उसमें कौन लोग होता, उसमें कोई ऐसा अपर कास्ट वाला नहीं होता कि छोड़ के इतने दिनों तक कावड़। ये बहुजन समाज को आप जो इतना बड़ा खतरनाक रिस्क,